हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज योर मैथ्स क्लास। बच्चों, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर 12.3 रिवीजर वर्क है। तो सभी बच्चे अपनी उस नोटबुक में इन क्वेश्चंस को लिखेंगे जिसमें मैंने आपको लिखाया है सिलेबस फॉर एनुअल एग्जाम्स यानी फाइनल एग्जाम्स, ठीक है। तो जिन बच्चों का कम्प्लीट हो गया वर्क, वो भी इस वर्क को करेंगे। ये नहीं कि वर्क कम्प्लीट है तो नहीं करेंगे, उसे आप अपने आप करेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं मनी। मनी में हम आज आपको सब्ट्रैक्शन करना सिखाएंगे। तो अब आप सब लोग अपनी अपनी नोटबुक ओपन कीजिए। क्वेश्चन नंबर ए को आप अपनी बुक में ही फिल कर सकते हैं। 75 पैसे हैं जिसमें आपको 25 पैसे खर्च करने हैं। तो बताइए कितने पैसे बचते हैं आपके पास। बच्चों, सभी बच्चों को लर्न होना चाहिए 75 पैसे में 25 पैसे यदि कम हो जाते हैं, सब्ट्रैक्शन करना है या खर्च कर दिए, तो अब आपके पास कितने पैसे बचे हैं। ऑफ़ कोर्स 50 पैसे। इसी प्रकार से 88 पैसे हैं एंड 25 पैसे आपको खर्च करने हैं। तो बताइए कितने पैसे हो जाए बचेंगे आपके पास। जब आपके 25 पैसे खर्च हो चुके हैं तो बच्चों यहाँ पर कितने पैसे बचेंगे। 8-5 3, 8-2 6 यानी 63 पैसे। इसी प्रकार से अब यहाँ पर रुपए एंड पैसे दिए गए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा है रुपए एंड पैसे, इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर बी दिए गए हैं सब्ट्रैक्शन द फॉलोइंग, जो कि हॉरिजेंटल में दिए गए हैं, तो आप कैसे लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर ए में पैसे लिख दिए और इसमें क्या करना है आपको, रुपए हैं तो रुपए से रुपए को सब्ट्रैक्ट करने हैं। और जब कॉलम में लिखने के ना, हाँ, तो जैसे यहाँ पर 60 रुपीज़ 50 पैसे लिखे हैं, तो आप जो क्वेश्चन नंबर बी है उन्हें भी आप इसी तरह लिखेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा 60 रुपीज़ 50 पैसे में आपको 20 रुपीज़ 25 पैसे सब्ट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। तो 50 माइनस 25 50 पैसे हैं, इनमें से 25 पैसे आपने खर्च किए, तो कितने बचे हैं, सिर्फ आपके पास 25 पैसे बचे। और 60 रुपीज़ में 20 जब आप खर्च कर देंगे तो 40 रुपीज़ बचते हैं, ठीक है। यानी अब आपके पास जो रुपए हैं वो हैं 40 रुपीज़ 25 पैसे। इसी प्रकार से अब सब्ट्रैक्शन करना है हमको क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें आपको दिया है 17 रुपीज़ फ्रॉम 25 रुपीज़। बच्चों, यहाँ पर आपको 17 को 25 से सेपरेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 25 रुपीज़। फिर 25 रुपीज़ में आप सेपरेट करिए 17 रुपीज़। ओके, तो पहले आप क्या लिखेंगे, 25 रुपीज़, और इसके बाद इसमें सेपरेट करने के लिए कितने लिखेंगे, 17 रुपीज़। अब बताइए कितने रुपए बचते हैं। जब 25 रुपीज़ थे, 17 रुपीज़ खर्च हो गए, तो आपके पास कितने रुपीज़ बचते, 8 रुपीज़। ओके, और यदि आपके पास 81 रुपीज़ 50 पैसे को सब्ट्रैक्ट करना है 125 रुपीज़ 50 पैसे से, तो क्या करेंगे बच्चों, फिर से आप पहले लिखेंगे 125 रुपीज़ 50 पैसे और सब्ट्रैक्ट करना है 81 रुपीज़ 50 पैसे। तो 81 आप कहाँ लिखेंगे, 125 लिखा है बच्चों, 125 के नीचे आप लिखेंगे 5 के नीचे 1, 2 के नीचे 8 एंड 50 पैसे के नीचे 50 पैसे। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा, देखिए 50 को आपने सब्ट्रैक्शन किया तो कितना हुआ, 0, ठीक है। 50 रुपीज़ थे, 50 खर्च हो गए, तो ये यहाँ पे कितने बचे, 0। इसके बाद अब जब 5 से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितने बचे, 4, और 12 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, तो कितने रुपए बचते हैं हमारे पास, 44 रुपीज़। इसी प्रकार से अब दिए गए इन रुपीज़ एंड पैसों को पहले कॉलम में लिखिए। जैसे क्वेश्चन ए के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी नोटबुक में आप क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे अपना अपना वर्क कंप्लीट कर लें और सेंड करें। यह आपका रिवीजन वर्क है जो कि आपकी फाइनल एग्ज़ाम्स में की तैयारी में दिए जा रहे हैं। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।